पिछले 2-3 क्लासेस में हम बीटा गामा की थ्योरी ही पढ़ रहे थे, आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार सारे जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी का रिवाइज करवा देता हूँ। तो सारी जो समरी है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ये आपकी समरी है। हमने सबसे पहले गामा फंक्शन पढ़ा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये गामा एन थी। गामा के लिए एक तो हमें गामा हाफ की वैल्यू पता है, वो क्या होता है, रूट पाई। एक इंटीजर है एन प्लस वन, उसका फैक्टोरियल एन, बस एक तो दो ही वैल्यू आती है गामा की, ठीक है? मेरी बात समझ में आएगी। ये मैं जैसे जैसे आपको चीज़ें बताता रहूँगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ, ठीक? मैं जैसे जैसे आपको फॉर्मूले काम में आएगा वो करवाता रहूँगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड, गामा फंक्शन का आपको ये फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिक्कत है, 0 से इन्फिनिटी है, एक्स क्यूब है, ई की पावर माइनस एक्स क्यूब है, और क्या है, डी एक्स है। हमारी दिक्कत क्या है, इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ एक्स ये और यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है। तो हमारी दिक्कत क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को क्या लेट कर दो, टी लेट कर दो, तो 3x² डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, और यहाँ से 3 हो गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब देखो, हम ये यहाँ तक समझ में आया नहीं है, और एक्स क्यूब है, इसको क्या लिख दूँ, x² डॉट x। तो 1x² ये डी एक्स की जगह, देखो अब लिमिट क्या हुई बताओ, लिमिट्स ऑफ टी बताओ पहले, तो लिमिट्स ऑफ टी, टी की लिमिट जब एक्स 0 लिखा तो टी भी 0, इन्फिनिटी सेम ही रही, तो लिमिट रही सेम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है? ई की पावर एक्स क्यूब को क्या, टी पुट कर दिया, x² dx की जगह क्या लिखा, dt/3, तो ये लिख दिया dt/3 लिखा। अब जो x है वो क्या है बताना मुझे, x है t^1/3 है, तो इस x की जगह क्या लिख दिया, t^1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 1/3 है और हमारे फॉर्मूले में जब यहाँ, अब देखो x और t का कोई लोड नहीं है, वेरिएबल हमें पता है ना, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 1/3 है ना, हमें इसको यहाँ n माइनस वन होता तो गामा n हो जाता, तो बिना सोचे 1/3 की जगह क्या लिख दो, 1/3 + 1 और माइनस वन। मेरी बात समझे? तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4/3 - 1। मेरी बात समझे? तो इसको क्या लिख सकते हो, यदि इसको ये 1/3 आपने बाहर निकाला 0 से इन्फिनिटी e^-t, और ये t की पावर क्या हो गया 4/3 - 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 γ 4/3। ये क्यों करा है, एग्जैक्ट फॉर्मूले की शक्ल बनाने के लिए। अब 4 क्या, हाँ बिल्कुल ये दीजिए एग्जैक्टली। अब यहाँ 4/3 की आपको वैल्यू नहीं आती, फिर भी यदि सॉल्व करना चाहें तो आपको ये भी फॉर्मूला होता है, n+1 γ क्या होता है, n γ n होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 1/3 हो गया, 4/3 को लिखा 1/3 + 1, फिर ये 1/3 हो गया, और ये 1/3 γ 1/3, तो क्या हो गया 1/9 γ 1/3, ये आपका आंसर है। मेरी बात समझ में आई, किसी को दिक्कत? ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिक्कत। अब देखो, वापस बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, ये चलो बीटा में जा रहा है, हाँ यहाँ इरेज कर दूं मैं इसको, किसी को दिक्कत है इसमें? गामा 1/3 की नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक? तुम्हें सिर्फ गामा 1 की, एक तो नेचुरल नंबर की पता है, एक 1/2 की पता है। 1/2 की पता है मतलब 3/2 5/2 वो कन्वर्ट हो जाएगा एन गामा एन से, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे समझ जाएगा। अभी तुम्हें 1/2 की नहीं पता, सॉरी 1/3 की, इरेज कर दो इसको। अब एक तुम्हें कुछ दिन पहले करवाया था e^ax वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले करा था 0 से इन्फिनिटी e^-ax x^(n-1) dx, बोलो गामा एन अपॉन a^n। सबको याद है ये फॉर्मूला, हमने प्रूफ करा था, वही जिसमें ए की जगह a+iota b करके आज वो साइन और कॉस वाले प्रूफ करे थे, अब वो उसके लिए ये सूटेबल है। अब देखो, मुझे पता कैसे चला इसमें गामा फंक्शन लगेगा, इसमें गामा फंक्शन का मेरे विचार में यूं आया कि a^x है ना, एक तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है,
फिर a की पावर x को मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ a की पावर a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, इसका भी मतलब है, अभी समझ में आया। अब फोर्थ वाला, अच्छा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फोर्थ का। फोर्थ में सीधा पहले देखो लिमिट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर x की पावर a, और नीचे क्या लिखा हुआ है a की पावर x, और एक दे रखा है a क्या है 1 से बड़ा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a की पावर x है उसको मैं लिख दूं e की पावर log a और ये x, बात तो वही रही। x को यहां ऊपर भेज सकते हैं क्योंकि log m की पावर n और ये log से e कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर x को मेरा क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है e की पावर x का है। तो मेरी बात, जो भी ऐसे आएंगे इनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अब देखो आपका जो फॉर्मूला है उसमें e की पावर माइनस एक्स है, तो ये भी है a की पावर x ऊपर जाएगा तो बन जाएगा, समझ गए ना। तो ये आपका, ये अप्लाई करते क्या बनेगा, जीरो से इंफिनिटी, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स, और ये देखो माइनस ये लॉग a हो गया और यहाँ क्या हो गया x। तो इसको पूरा ट्रीट करना इस फॉर्मूले में a को ट्रीट करा वैसे, इसीलिए लॉग a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और यहाँ क्या रहा, यहाँ x की पावर क्या हो गया a रहा ये, ठीक है। अब a में आपको n माइनस वन बनाना, तो प्लस वन और माइनस वन, मेरी बात समझे या नहीं समझे, और ये क्या रहा dx रहा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, a की जगह क्या है log a है, n की जगह क्या है a प्लस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गामा a प्लस वन अपॉन log a की पावर क्या हो जाएगा a प्लस वन, क्योंकि a की पावर n करना है ना, n आपका क्या a प्लस वन, वन उसका मतलब मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब हाँ बिल्कुल सही, उसका मतलब मैं बता रहा था। देखो log a का क्या मतलब है, जैसे log का ग्राफ बनाते हो आप, ठीक है, log a का ग्राफ बनाओ तो log वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वन के बाद ऐसे ऐसे जीरो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और प्लस की वैल्यू ये, तो log a जब वन से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी तभी ये माइनस एक्स बनेगा, इसका रीजन ये। एग्जैक्टली समझ में आया, मेरी बात समझ में आई या नहीं, यहाँ तक किसी को देखकर तो अच्छे समझ में आया नहीं है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे टाइप कवर हो रहे हैं, लिख लो ये गामा को हटा दो। अब चलो ये सिक्स और सेवन्थ करवाता हूँ, एक बार इसको इरेज कर लो, कर दो इरेज। अब देखो आपको किस किस की वैल्यू मैंने बताई, आपको कौन सी वैल्यू पता, इरेज करो मैं इसको, आपको सिर्फ दो ही वैल्यू पता है, वो है गामा हाफ और एक कोई इंटीजर फाइव हो गया सिक्स हो गया नेचुरल नंबर उसका आता है, बाकी वन बाय थ्री आया था हमने छोड़ा था, मेरी बात समझे। दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला, चलो एक और आपको काम की बात, एक तो आपको याद हो डुप्लीकेशन फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है, और एक और फॉर्मूला था आपका जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर बोलो एम माइनस वन वन, यहां क्या था, नहीं यही था डीएक्स, इसकी पावर कुछ नहीं थी, इज दैट क्लियर, और ये क्या था पाई अपॉन साइन एन पाई, याद किया नहीं, ये फॉर्मूला याद। अब देखो यदि एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था जीरो से इन्फिनिटी बीटा एम एन की अनदर फॉर्म थी, याद हो तो बीटा एम कोमा एन थी जीरो से इन्फिनिटी और यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था एक्स की पावर एम माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, याद है नहीं फॉर्मूला, कैसे प्रूव करा था x इक्वल टू y अपॉन वन प्लस y पुट करके ये फॉर्मूला प्रूव करा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये किसका है बताओ बीटा एम एन का है, और बीटा एम एन का एक आपने और सीखा था, बीटा एम एन क्या होता है बताओ, इस सेम का गामा m गामा n गामा m प्लस n, अब ये मत बोलना सर हमें ये भी नहीं आता, समझ रहे हो। मैं एक और एक छोटा सा तुम्हें और एक मतलब स्टेटमेंट याद करवाना चाहता हूँ उनके हेल्प से। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों कब सेम होंगे
जब m प्लस एन इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ले लिया m प्लस वन इक्वल्स टू वन। यदि मैं m प्लस एन इक्वल्स टू क्या करता हूं, वन पर पुट करता हूं, तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस एम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जो आपका जीरो से इंफिनिटी x की पावर m माइनस वन है अपॉन वन प्लस एक्स की पावर क्या है, एम प्लस वन क्या, वन ले लिया, dx हो गया, ये क्या बन जाएगा, n की जगह क्या, गामा m, और n की जगह लिख दिया वन माइनस एम अपॉन क्या, ये गामा वन, और गामा वन की वैल्यू वन ही होती है। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आई या नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं आपके क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक एक मिनट, यहां m है तो फॉर्मूले में m था या n था, m ही था, चलो कोई नहीं, रुको, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो, तो m m माइनस वन और m प्लस एन इक्वल्स टू, वो तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं m, और ये क्या लिख दिया, वन माइनस एम लिख दिया, इसको इरेज कर दूं। अब वापस है ना, अब वो क्या, एक n है और एक m है, तो इसीलिए मैं इनको और कन्वर्ट कर दूं, m प्लस एन इक्वल्स टू क्या है, वन है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस एन हो जाएगी। ये तो हमने थोड़ी गलती कर दी, बाकी होते ही नहीं दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई अपॉन क्या रहा, साइन एन पाई रहा यहाँ पे, और यहाँ पे m की जगह क्या लिख दो, m की जगह लिख दिया क्या, वन माइनस एन हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एन हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला, मैं सारी ये फोटो ले लूँ, तुम समझ में आई, ले लिया, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है, इसका n, मैन जो फॉर्मूला बन रहा है वो n गामा n, ये आपका मेरा मैन आपका गामा n वन माइनस n, कोई दिक्कत, समझ में आया नहीं। इसका मतलब है दोनों में एक का अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है। ये 4/5 है तो ये 3/4 होगा, मेरी बात समझे। तो अब देखो भाई, दोनों में एक का ही तो अंतर है। अब यहां पे एक और आपको याद हो तो मैंने डुप्लीकेशन फॉर्मूला करवाया था, बोलो, m m प्लस 1/2 रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1, बोलो, वेरी गुड, याद कम है तुम्हें चीजें, डुप्लीकेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है, प्रूफ करवा रहा हूं, और तुम्हें स्टेटमेंट भी याद नहीं है तो लाइक क्यों टाइम वेस्ट कर रहा, इसका अच्छा खासा याद है नहीं, इसका प्रूफ। ये दो ही आपको चीजें आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो दो आपके गामा दे रखे हैं उनमें कितने का अंतर हो, एक का अंतर हो, या आधे का अंतर हो, मेरी बात समझे। अब आपका ले लिया सॉल्यूशन 6, क्या दे रखा है, गामा 1/3 दे रखा है, गामा 5/6 दे रखा है, और गामा क्या दे रखा है, 2/3। काश ये 2/3 ऊपर रहता तो इस 2/3 को लिख देता 1 - 1/3, तो ये फॉर्मूला लग जाता। काश ये 1/3 नीचे होता तो भी इस 2/3 को क्या लिख देता, 1 - 1/3 लिख देता, तो ये फॉर्मूला लग जाता। अब तुम्हें सीधा पता नहीं चल रहा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 5/6 - 1/3, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ये 5 रहा, ये 6 रहा, ये क्या रहा, 2 रहा, 6 रहा, क्या रहा, 4/6, और ये क्या रहा, 1/2। अरे वाह, इसमें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो यहाँ से एक रहा 1/3, और एक क्या है, 1/3 प्लस 1/2 है, ये दिखा या नहीं दिखा भाई, ये है तो 5/6 ही तो है, मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगेगा, m m प्लस 1/2, तो यहाँ m क्या है, 1/3, तो a क्या रहा, m m क्या रहा, 1/3, तो ये लगाओ फॉर्मूला, फिर a तो क्या है, ये गामा 2
टू बाई थ्री है, मैंने इस नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला की हेल्प से लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या लग रहा है बताओ, वन अपॉन एक तो रहा क्या रूट पाई अपॉन टू की पावर क्या हो जाएगा, टू की पावर वन बाय थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो क्या टू बाय थ्री, और टू बाय थ्री की वैल्यू क्या करा माइनस करा, तो टू की पावर माइनस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री इंटू टू, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री माइनस वन, माइनस का वन बाय थ्री, ये लिख दिया। और ये क्या करा वन बाय थ्री को गामा टू बाय थ्री, ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर क्या आया टू की पावर वन बाय थ्री रूट पाई। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं होगा हो गया, समझ में आया अच्छे से। तो ये भी देखो कैसे ये दो फॉर्मूले लगे, इरेज कर दूं, नेक्स्ट जल्दी। अब देखो वन बाय थ्री का किससे अपन सेटल कर सकते हैं, फाइव बाय थ्री एक का डिफरेंस है। अब देखो अगला, ये मैं एक बता रहा हूं कि तुम्हें चीजें जैसे तुम बोल रहे हो वन बाय थ्री की नहीं आती, तो भी कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चीजें हमारे पास ये दो ही है। अब नेक्स्ट कर लो सेवन का, समझ में आया, दिक्कत तो नहीं है, पूछ लेना, समझ में नहीं आए तो सेवन ये वाला, ये क्या है गामा वन बाय थ्री, गामा वन बाय थ्री स्क्वायर में दो बार लिखूं वन बाय सिक्स है, कोई लेना देना कुछ फायदा नहीं हो रहा, पर कैसे करके यदि हमारे पास फाइव बाय सिक्स आ जाए, फाइव बाय सिक्स में और इसमें कितने का डिफरेंस रहेगा, आधे का रहेगा, वन बाय थ्री अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराया, और ये वन बाय सिक्स है, फाइव बाय सिक्स को वन माइनस वन बाय सिक्स से तो कर सकते हैं, तो नीचे भी फॉर्मूला ये लग जाएगा और ऊपर फॉर्मूला ये लग जाएगा यदि गामा फाइव बाय सिक्स आ जाए ऊपर नीचे, मेरी बात समझे, गामा फाइव बाय आते इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा और ये फाइव बाय इसमें है, तो क्यों नहीं करूं ऐसी समझदारी का काम, समझ लो, फिर एक रहेगा कटेगा तो ठीक है वरना पड़ा रहेगा, मेरी बात समझे, समझे नहीं समझे, तो ये करा गामा फाइव बाय सिक्स और ये करा गामा फाइव बाय सिक्स, तो यहां से इसको फिर सॉल्व करा आपने, एक गामा वन बाय थ्री छोड़ दो और ये क्या हो जाएगा, ये वन बाय थ्री गामा वन बाय थ्री प्लस वन बाय टू डिनोमिनेटर में वन बाय सिक्स गामा वन माइनस वन बाय सिक्स, ये फाइव बाय सिक्स ही है, इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा है इसकी शकल ऐसी बना दी। अब क्या रहा गामा वन बाय थ्री और इनमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये रहा रूट पाई और ये क्या गामा टू बाई थ्री और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टू की पावर माइनस का वन बाय थ्री, अब ये भी लगाया है याद है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से तो बस हमें एन का है, एन कितना है वन बाय सिक्स है, वन बाय सिक्स है तो बस इधर पुट कर दो पाई अपॉन और ये साइन ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके साइन पाई बाय सिक्स, साइन पाई बाय सिक्स कितना होता है साइन थर्टी, साइन थर्टी कितना होता है वन बाय टू होता है, बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो यहां से ये क्या n n प्लस वन, n प्लस वन को इसको लिख दो और ठीक है वन बाय रूट थीटा स्क्वायर रहेगा बस तो जाएगा, मेरी बात समझे। अब आगे इसको क्या क्या सॉल्व करना है बताओ, इसको सॉल्व करना एक तो यहां से वन अपॉन रूट पाई बच गया, वन अपॉन रूट पाई बचेगा नहीं बचेगा, और एक यहां वन बाय टू है, एक तो टू की पावर क्या है बताओ वन बाय थ्री है और एक टू की पावर वन है, तो टू की पावर क्या बच जाएगी बताओ टू की पावर टू बाय थ्री बच जाएगी, भाई नेगेटिव का वन बाय थ्री इसकी वैल्यू वन बाय टू होगी और रूट पाई बच गया, और एक ये गामा वन बाय थ्री है और इस टू बाय थ्री को क्या लिख दो वन प्लस वन बाय, एक मिनट टू बाय थ्री है ना वन माइनस वन बाय थ्री, वन माइनस वन बाय थ्री, तो ये क्या मिला वन अपॉन रूट पाई रहा और ये क्या रहा नीचे, और नीचे है ना ये वन अपॉन टू की पावर टू बाय थ्री और यहाँ पास में क्या बन जाएगा एन, और वापस यहाँ से क्या पाई बाय थ्री, वन बाय थ्री मिल गया ना एन की वैल्यू, तो यहाँ से फिर क्या रहा पाई अपॉन ये क्या हो गया साइन पाई बाय थ्री, और साइन पाई बाय थ्री क्या होता है साइन पाई बाय थ्री क्या होता है रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू से और ये तुम सॉल्व कर लेना, इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आई, तो कैसे पूरा गामा यहाँ से गायब हो गया, इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत यहाँ। अब इसका मतलब हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया,
ठीक है, अब आपके रहे कौन से, एक तो ये क्वेश्चन रहा और एक ये दोनों, इरेज कर दो इसको, ये गामा पे थे अब बीटा पे करते हैं, ये भी आप आई थिंक अब देखते हैं कैसा बनता है, उसको इरेज कर दो। निकले सबने, बीटा फंक्शन का बीटा एमएम का क्या फॉर्मूला था बताओ, जीरो से वन बोलो, दो फॉर्मूले थे बीटा के, एक तो बीटा का था जो एम कोमा एन जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स था, एक फॉर्मूला था बीटा एम एन का जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, और यहाँ क्या था वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन था, और ये डी एक्स था, ठीक है। एक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, बता देता हूँ अभी, और वैसे दो मिनट में तुम्हें पता भी चल, बीटा एम एन होता है ना वो एम एन और ये एम प्लस एन, यही क्या होता है बीटा एन एम होता है, इक्वली तो होगा, बीटा एम एन की वैल्यू ये है, बीटा एन एम की क्या होगी, यहाँ एन होता है वैल्यू सेम रहे, तो ये दोनों हमेशा क्या रहते इक्वल रहते, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब आ जाओ फर्स्ट पे, फर्स्ट के लिए आपके इतने काफी सॉल्यूशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है जीरो से इन्फिनिटी, पहले इसको लिखो x की पावर 8 है, ठीक है, 8 को लिख दूं 9 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24 dx, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा क्या रहा बताओ, जीरो से इन्फिनिटी x की पावर क्या है 8 प्लस 6 14, 14 को लिख दूं 15 माइनस 1 अपॉन क्या रह गया 1 प्लस x की पावर 20, मेरी बात समझे, यहां से आपको पता चला है इसमें m कितना है 9 है, तो n कितना है 15, क्योंकि ये m प्लस n है भाई, नीचे क्या है इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, m प्लस n कितना है 24 है, m 9 है, तो यहां से समझ गए ना, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा m बराबर 15 है तो 9 आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्व कर लेना, मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो ये वाला क्या बना है, बीटा m क्या है 9,15 और माइनस, बीच में माइनस है, ये क्या बना है बीटा 15,9, आपको बता रखा है ये दोनों इक्वल होते हैं, आंसर आ गया 0। कोई दिक्कत, बस दो मिनट, कोई दिक्कत है क्या? अब अगला वाला बता दो कौन सा, ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा हिंट दूं या नहीं दूं, दूं, यूं तो इनकी शक्ल तो तुम्हें ऐसे पहचान ही लग रही है, बताओ, हिंट नहीं दूंगा फिर, इसमें आई थिंक है ना 1 - x की पावर n को टी पुट करना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि रूट में तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, हो सकता है गामा में चल जाए, इसको क्या करो 1 - x की पावर n को टी पुट कर देना, इसमें 1 + x के फॉर्मूले है हमारे पास, तो इसमें x की पावर 4 को टी पुट कर लेना, ट्राई करना, दो ही क्वेश्चन, ठीक है, बाकी कल।